लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र सरकार कोविड मैनेजमेंट में नवी मुंबई के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ऑक्सीजन प्लांट हो या म्यूकर माइकोसिस या रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऐसी तमाम मांगों के बावजूद भी इंतजाम अधूरे हैं। यही वजह है कि मनपा प्रशासन नवी मुंबई को कोरोना मुक्त करने में फेल हो रहा है। बीजेपी के महामंत्री विजय घाटे ने ऐसा संगीन आरोप लगाते हुए पालक मंत्री और सरकार से जवाब मांगा है। बीजेपी महामंत्री विजय घाटे ने कहा कि उनकी पार्टी के दो विधायक गणेश नाइक और मंदाताई मात्रे ने नैतिक सहयोग के साथ ही मनपा को ऑक्सीजन प्लांट लगाने और औषधियों के लिए 1-1 करोड़ की विधायक निधि दी है, फिर भी इन पैसों का उपयोग नहीं हो रहा है। जाहिर है आर्थिक सहयोग के बाद भी मनपा प्रशासन और पालक मंत्री नवी मुंबई में उत्तम सुविधाएं विकसित करने में विफल दिख रहे हैं। विजय घाटे का दावा है कि यदि बीजेपी विधायकों की अब तक की गई सभी मांगों को मानकर उन पर अमल हो जाए तो नवी मुंबई भारत की सबसे पहली कोरोना मुक्त सिटी बन सकती है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पालक मंत्री और स्टेट गवर्नमेंट नवी मुंबई को सौतेला व्यवहार दे रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं दे रहे। हमारे नेतागण कार्यरत है, पालक मंत्री कार्यरत है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के कोई कार्यरत है नहीं। नवी मुंबई में कोरोना का कहर हर दिन लोगों की जान ले रहा है। ऐसे में बीजेपी विधायक गणेश नाइक और मंदाताई मात्रे जरूरतमंद जनता की सेवा और मदद में जुटे हैं। वे लगातार मनपा आयुक्त से मिलकर आरोग्य सुविधाओं को पुख्ता करने पर जोर दे रहे हैं, खामियों पर सवाल उठा रहे हैं और कमियों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि पुख्ता इंतजाम को लेकर उदासीन दिख रही है। बीजेपी के जिला महामंत्री विजय घाटे का खुला आरोप है कि उद्धव सरकार और पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जानबूझकर नवी मुंबई को सुविधा दिलाने में सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। विजय घाटे का दावा है कि यदि बीजेपी विधायकों की सभी मांगों पर अमल हो जाए तो नवी मुंबई देश की पहली कोरोना मुक्त सिटी बन सकती है। घाटे ने याद दिलाया कि जिस ऑक्सीजन प्लांट के लिए बीजेपी विधायकों ने 2 करोड़ की निधि दी, उस निधि का क्या हुआ? पालक मंत्री का ऑक्सीजन प्लांट कहां गया? रेमडेसिविर कहां है और किसको सप्लाई हुई? पालक मंत्री को आखिर इस पर जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? विजय घाटे ने यह भी खुलासा किया कि सरकार न तो औषधियों की पर्याप्त सप्लाई दे रही है और न ही प्रशासन को सपोर्ट कर रही है और यही वजह है कि नवी मुंबई में कोरोना की लड़ाई कमजोर पड़ती दिख रही है। हमारे दोनों विधायक आदरणीय मंदाताई मात्रे जी, आदरणीय गणेश नाइक जी, ये कांस्टेंट फॉलोअप कर रहे हैं प्रशासन के पास। प्रशासन के पास उन्होंने अपने एमएलए फंड से 1-1 करोड़ रुपया दे दिया है, लेकिन आज दुर्दैव की बात यह है नवी मुंबई म्यूनिसिपल कमिश्नर उनका रिप्लाई दे नहीं सकते हैं कि आगे उन्होंने किया क्या है करके, होने वाला क्या है करके, क्यों वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। अभी मैं आपको बात बताता हूँ, पालक मंत्री जी ने हमको कहा था कि ऑक्सीजन प्लांट लगा देंगे, मेरे ख्याल से 1.25 महीना के करीब बात हो गई। आज तक कहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट हो गया, उसका स्टेटस क्या है, किसी को भी मालूम नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का बारे में नवी मुंबई को क्या सप्लाई हुआ, कहाँ से हो गया, वो मालूम नहीं है। नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काफ़ी सारे अधिकारी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के पास से बेसिक सप्लाई चाहिए या सपोर्ट चाहिए, वो एक भी पैसे का हो नहीं रहा है। जो जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। अब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ कौन सारा का सारा देखना चाहिए, पालक मंत्री ने देखना चाहिए। बताना जरूरी है कि नवी मुंबई को कोरोना से बचाने और आरोग्य सेवाओं को मजबूत बनाने विधायक गणेश नाइक 45 बार मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मिल चुके हैं और जरूरी इंतजामों के लिए मांग और चर्चा कर चुके हैं। बेलापुर की विधायक मंदा मात्रे भी दर्जनों बार मुलाकात कर चुकी हैं। विजय घाटे ने ध्यान दिलाया कि आखिर बीजेपी के दोनों विधायक प्रशासन और सरकार से क्या मांग रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर मांगे ताकि इसके अभाव में किसी की जान न जाने पाए, आज तक नहीं मिला। सबके लिए वैक्सीन मांगा, नहीं मिला। रेमडेसिविर कितनी दी, खुलासा मांगा, नहीं मिला। बीजेपी नेता विजय घाटे ने जोर देकर कहा कि हम भीख नहीं, नवी मुंबई करों का हक मांग रहे हैं, लेकिन पालक मंत्री और राज्य सरकार है कि वो हक देने को भी तैयार नहीं है। हमने नवी मुंबई में मांगा क्या था, वैक्सीनेशन के लिए सपोर्ट मांगा था, सफिशियंट वैक्सीनेशन मांगी थी। क्या हमको वैक्सीनेशन मिली?
सफिशियंट मिली नहीं मिली। रेमडेसिविर का कोटा प्रॉपर अलॉट करने के लिए कहा था रेमडेसिविर के कि सीक्रेट कोटा अलॉट हो रहा था लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था। हमने ऑक्सीजन प्लांट के तीन ऑक्सीजन प्लांट के साथ एग्रीमेंट किए थे और तीनों ऑक्सीजन से हमको पहले प्रायोरिटी पे देना है, अगर बचे तो बाहर सेल करना है, इस तरीके के प्रोविजन किया था। हमको वेंटिलेटर चाहिए था, हमको प्रॉमिस क्या किया गया था 100 वेंटिलेटर दे देंगे, 100 में से 5 वेंटिलेटर का मैंने अभी न्यूज़ देता देखा और 5 वेंटिलेटर के अंदर एक पे रिजेक्टेड का स्टैम्प था। ये हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हम भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे जो नवी मुंबई के नागरिकों का है। इसका आंसर पालक मंत्री ने जरूर नवी मुंबई की जनता को देना चाहिए। जिला महामंत्री विजय घाटे ने सरकार और पालक मंत्री को यह भी याद दिलाया कि नवी मुंबई करों के लिए विधायक गणेश नाइक और मंदाताई मात्रे ने जो जो डिमांड किया है वह हर हाल में देना होगा, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट हो, चाहे कोविड वैक्सीन हो या म्यूकर माइकोसिस के लिए फ्री उपचार की सुविधा हो। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह स्कूली बच्चों को फ्री एजुकेशन और गरीबों के लिए राशन मुहैया कराए और यदि सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो वह खुद को नाकाम घोषित कर दे। घाटे ने दावा किया कि नवी मुंबई के बीजेपी नेता इतने सक्षम हैं कि नवी मुंबई को अपने दम पर ही संभाल कर दिखा देंगे। और कोरोना के लिए जो नवी मुंबई ने डिमांड किया हुआ है, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट हो, चाहे वो कोविड वैक्सीन हो, म्यूकोरमाइकोसिस के लिए मेडिसिन हो, येलो फंगस के लिए मेडिसिन हो, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लिए बैकअप हो, ये सारी चीज़ें दे दे। एजुकेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास से हमको टैब्स मिले, स्टूडेंट लोग को अपग्रेड करे, गरीब बच्चों को राशन मिले, उनको खाना मिले, ये सारी सुविधा हमको स्टेट गवर्नमेंट इमीडिएट रिलीज करे। और अगर रिलीज नहीं कर सकते तो वैसा बयान जारी करे कि हम नाकाम हैं और नवी मुंबई के नेतागण जो है वो अपना देख ले। और मुझे मेरा नेताओं के ऊपर विश्वास है, नवी मुंबई को कुछ नहीं मिलेगा तो भी नवी मुंबई सर्वाइव करेंगे और आज ये प्रूव करके दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।